This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamu alaikum and welcome to the program PSX Hotline aur main hoon aapka host Rohail Intikhab. प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ओवरऑल मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही मार्केट ने क्या कुछ आज हमने देखा मार्केट में उस हवाले से हम आपसे प्रोग्राम में बात करते हैं और आपके सामने फ्लोर पर वो चीज़ें रखते हैं जो ऑपरेशन बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज में हो रही होती हैं जो प्रेडिक्शन की जाती है मार्केट के हिसाब से और जो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं थ्रू एनालिस्ट और डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से और बिज़नेस प्लस खसूसी तौर पर तमाम तर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक के हवाले से आपको लम्हा बलम्हा आगा रखता है अपने ट्रिकर के जरिए और तमाम उन चीज़ों के जरिए जहां तक आपकी रसाई हो सके। बहरहाल आज मार्केट की बात करूंगा, मार्केट की ओपनिंग की मैं बात करूं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो हमने ग्राफ मॉनिटर किया आज सुबह हमने देखा कि 39,539 की मार्केट की ओपनिंग हुई और के सी 100 इंडेक्स में 129 पॉइंट्स का इजाफा देखा। सुबह अच्छी हुई और पॉजिटिव पॉइंट्स के इजाफे से ये कोशिश की जा रही थी कि मार्केट आगे सस्टेन रहेगी, आगे मूव करेगी और बेहतर की तरफ आएगी। बिकॉज आपने ये चीज़ देखी होगी पिछले हफ्ते और जो लास्ट वीक हमारा गुजरा कि मंडे के अलावा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट को हमने के एस सी 100 में और के एस सी 30 में हमें कुछ पॉइंट्स की कमी का सामना रहा। अनफॉर्चुनेट आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन आज के क्या काम मैं आपको बताऊं कि ग्रेजुअली जब दिन चलता गया तो फिर हमने देखा कि 9 बजे के बाद 10-11 बजे के करीब फिर 158 पॉइंट की हमने कमी का सामना देखा और ग्राफ बहुत ही नीचे जा रहा था। डिप्रेस हुए कि क्या होगा आगे, लेकिन दिन बढ़ता गया आगे और हम आगे चलते गए और ये प्रोसेस बाइंग एंड सेलिंग का फ्लोर पर चलता रहा। फिर हमने एक दूसरे पॉइंट पर ऑब्जर्व किया कि सेकेंड सेशन में कि 201 पॉइंट्स की हमें फिर नेगेटिव पॉइंट्स हमने देखे और जिसके बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर आई। उसके बाद दोबारा हमने देखा कि -23 हुए, 23 पॉइंट्स हमने नेगेटिव देखे और क्लोजिंग के वक्त जब मार्केट क्लोज़ हुई तो हमने देखा कि 210 पॉइंट्स की दोबारा हमें कमी का सामना था। 229 पॉइंट्स हमने देखे सुबह में ही आगाज़ जो हमने देखा था जब ओपनिंग हुई थी मार्केट का, तभी हमने देखा कि पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और उसके बाद जहां पर हमने चार मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए जहां पर ग्राफ ब्रेक हुआ और जहां पे हमने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि हमें नेगेटिव पॉइंट्स का चार जगह सामना करना पड़ा। तो जो क्लोजिंग के एस सी 100 इंडेक्स की फाइनल हमारे पास आई वो आई 39,278.11 जिसमें 186.54 की हमें कमी का सामना रहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के एस सी 30 इंडेक्स। के एस सी 30 इंडेक्स की क्लोजिंग हमने देखी 22,272.70 और जिसमें 71.46 का हमें पॉइंट्स की कमी का सामना करना पड़ा। और हम बात करेंगे अब ऑल शेयर इंडेक्स की। ऑल शेयर इंडेक्स की जो क्लोजिंग हमारे पास आई डैट इज 26,505 और जिसमें हमने देखा कि 102.88 की पॉइंट्स जो हैं ये हमें कमी का सामना करना पड़ा। तीनों की मैं अगर बात करूँ के एस सी 100 इंडेक्स की, के एस सी 30 इंडेक्स की और ऑल शेयर इंडेक्स की, तीनों में हमने आज देखा कि हमें नेगेटिव पॉइंट्स का सामना करना पड़ा। अगर मैं सही लफ्ज़ों में कहूं तो मार्केट फ्लोर पे बेयरिश रही लेकिन इट्स क्वाइट सस्टेनेबल, इट्स नॉट लाइक दैट बेयरिश जो हम आपको बता रहे हैं कि हाँ 40,000 का आपको याद होगा कि एक सतह उबूर किया गया था स्टॉक एक्सचेंज का, वो नहीं है। 41,000 प्लस हमने देखा था क्योंकि अब कहा यह जा रहा था जिस सेम्थ मार्केट जिस डायरेक्शन जा रही है उससे लग ये रहा था कि अब और आगे बढ़ेगी। एक खदशा ये था कि पॉलिटिकल टेम्परेचर अगर अगस्त में देखने में आया था थोड़ा बहुत तो उससे खातिर खा कोई मार्केट ने इतना इफ़ेक्ट नहीं आया। सितंबर चल रहा है लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से मार्केट में हमने थोड़े से पॉइंट्स की कमी का सामना रहा और कहा जा रहा है कि कुछ ऑयल प्राइसेस की वजह से एक फैक्टर ये भी है। रिजल्ट सीजन है बिकॉज अगस्त सितंबर में हाफ ईयरली रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे होते हैं तो इस वजह से भी मार्केट में जो है एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा होता है। दूसरा पॉलिटिकल खबरें जो गर्दिश कर रही होती हैं एक उसका तासुर भी है। बहरहाल अभी मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के प्राइसेस का एक फैक्टर ये कहा जा रहा था और दूसरा कंपनीज के रिजल्ट्स। नाउ लेट्स गो फर्दर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम मिलियन शेयर ऑफ के एस सी 30, के एस सी 100 एंड ऑल शेयर इंडेक्स। लेट्स टॉक फर्स्ट के एस सी 30 इंडेक्स 50.74 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स, के एस सी 100 82.09 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स, ऑल शेयर इंडेक्स 252.63 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स।
ये तो हमने सारे KSE 100 की और 30 की ऑल्स इंडेक्स की हमने क्लोजिंग की बात करी, वॉल्यूम की बात करी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज की आज किन कंपनीज को हमने ओवरऑल बिजनेस करते हुए ऑब्जर्व किया. देयर इज 391 कंपनीज ओवरऑल जो हमने ऑब्जर्व करी एंड देयर इज 153 कंपनीज इन एडवांस और इंक्रीज एंड देयर इज 221 कंपनीज इन डिक्लाइन और डिक्रीज एंड देयर इज नो चेंज इन 17 कंपनीज दे आर स्टिल न्यूट्रल. ये कंपनीज को आज देखा जो आज हमने जो कंपनीज देखी कि किन कंपनीज में इंक्रीज डिक्रीज हुआ ये सारा हमने आपके सामने रख दिया. अब बात करेंगे कंपनीज के टॉप वॉल्यूम लीडर्स की. दीवान सीमेंट बड़ा ही जमा हुआ है अपने पोजीशन के हिसाब से क्योंकि दीवान सीमेंट को आपने मुसलसल टॉप वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट में देखा. दीवान सीमेंट का मैं आपको मिलियन शेयर्स बताऊं 20.22 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स. बायको पेट्रोलियम 12.89, दीवान मोटर्स 12.37, के इलेक्ट्रिक 12.08 मिलियन शेयर्स. ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स मैं आपको मिलियन शेयर्स में बता रहा हूँ. और जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी 11.05 मिलियन शेयर्स. आपने देखा होगा कि टॉप वॉल्यूम लीडर्स में आज कुछ कंपनीज के नाम नए आए हैं जिसमें जहांगीर सिद्दीकी कंपनी को आपने देखा. बायको पेट्रोलियम वॉल्यूम लीडर्स के हिसाब से आज नंबर टू पे है. दीवान मोटर्स, दीवान सीमेंट और के इलेक्ट्रिक को आप हमेशा देखते हैं कि कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड. तो ये जहांगीर सिद्दीकी के हवाले से आपने देखा कि ये टॉप वॉल्यूम लीडर है आज नंबर फिफ्थ पोजीशन पर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज कंपनी जिनका आज शेयर प्राइस प्रॉफिट में रहा, जिनके आज शेयर प्राइस में इजाफा हुआ. टॉप गेनर्स की लिस्ट में नंबर वन पर है सर्विस इंडस्ट्री जिसमें हमने देखा कि 58.77 रुपीज़ का इजाफा हुआ उसके शेयर में. गंदारा इंडस्ट्री 30.97, उसके बाद सीमेंस पाकिस्तान है 14 और इस्माइल इंडस्ट्री 13.85. आपने देखा कि इस्माइल इंडस्ट्री को भी आज उसके शेयर प्राइस में अचानक से इजाफा हुआ है बिकॉज उस पर हमने इतना कोई चेंज नहीं देखा. इसके बाद टॉप लूजर्स की बात करेंगे. टॉप लूजर्स में म्यूरी ब्रिवी में हमने देखा कि लॉस 63.70, सेनोफी एवेंटिस में लॉस 34, फिरोज सन्स लेबॉरेटरी 32, कॉलगेट पामोलिव 30, पैकेजेस लिमिटेड 21.16. ये सारी आज मार्केट की सूरत हाल हमने आपको बताई कि आज फ्लोर पे क्या कुछ रहा. और इस हवाले से एनालिस्ट हमारे प्रोग्राम में उन्होंने हमें फ़ोन कॉल के थ्रू ज्वाइन किया है. सबसे पहले उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि मार्केट का फ्लोर हम इतने बैकवर्ड एक रिजर्व क्यों देख रहे हैं. सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम थ्रू फ़ोन कॉल. सर ये बताइए जो मार्केट की हम मॉनिटर कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से और हम ये देख रहे हैं कि 40,000 का एक वॉल्यूम आता है KSE 100 इंडेक्स का और एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब इस डायरेक्शन मार्केट और आगे जाएगी, लेकिन बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं. आप अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप क्या तजिया करेंगे इस पर? देखिए ओवरऑल मार्केट तो मार्केट के अंदर काफी एक्टिविटी की वॉल्यूम्स भी काफी देख रहे थे और एक बिजनेस सीजन था मार्केट के अंदर जिससे मार्केट को जो है मर्चेंट को डेवलप कर रखा था. इस तरह आप देख रहे हैं कि रिजर्व सीजन ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है और मार्केट के अंदर ऐसा कोई बड़े फिगर्स नहीं है. फिर अब एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है जिसमें जो है तकरीबन अगला पूरा हफ्ता जो है मार्केट बंद ही रहेगी. ये थोड़े से कंसर्न होते हैं मर्चेंट से, थोड़ी अनसर्टेनिटी आती है जब भी और एंड लेवल के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग देखी जाती है हिस्टोरिकली भी. हेलो जी, तो देखिए अभी ये इसके खास रीजन है मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग के और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों के अंदर भी मार्केट थोड़ा इन्हीं लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करेगी. हाँ लेकिन ऑयल प्राइसेस हमने देखा कि आज थोड़ा सा स्पाइक आया इंटरनेशनली, वो एक है कि जिसकी वजह से ईएमपी सेक्टर के अंदर थोड़ा सा जो है वो बाउंस बैक देखा जा सकता है. यावर साहब थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही. बेसिकली जो है वो रिजल्ट सीजन था, मैं आपको बता रहा था कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी काफी बेहतर थी, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे, लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट सीजन अब खत्म हो रहा है तो मेरा ख्याल है मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का रुझान आने वाले दिनों के अंदर भी रहेगा. वॉल्यूम्स हम देख सकते हैं थोड़े से एनी लेवल्स के ऊपर रहे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड से जिस तरह से मैंने बताया कि थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड है तो आमतौर पर इस ईयर के अंदर मार्केट जो है थोड़ा सा आउट होता है और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रिफर करते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग की जाए मार्केट के अंदर. ठीक है, तो
हेलो, शायद हमारा लाइन ड्रॉप हो गई है हमारी, दोबारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे याबो जमा साहब से और पूछेंगे कि क्या वजह है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या कॉजेस है मार्केट को हम एक दफ़ा रिजर्व जाते हुए देख रहे हैं जहां तक मार्केट रिजर्व आई। यावर साहब तक जहां तक मुझे आवाज़ आई वो कह रहे थे रिजल्ट सीजन की वजह से एक चेंज देखा था, बिकॉज कहा यह जा रहा था दो तीन फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगस्त जुलाई के एंड में और अगस्त के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आना अनाउंस हो गए थे, और आपको याद होगा कमर्शियल बैंक प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था, कमर्शियल बैंक का एक रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, ओवरऑल जो रिजल्ट कमर्शियल बैंक्स के आए थे उसकी वजह से मार्केट में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा चेंज आया था, एक ये चेंज था, दूसरा ऑयल प्राइसेस की वजह से। कोई चार से पांच हमारे प्रोग्राम में एनालिस्ट आए थे, उन्होंने यही फैक्टर कहा था कि रिजल्ट सीज़न है, और अभी भी यावर साहब यही बात कर रहे थे कि अब रिजल्ट सीजन एंड होने की तरफ है, तो मार्केट उस वक्त 39,000 के करीब थी, तो ये कहना इस वक्त बेहतर होगा कि जो 1,000 पॉइंट्स का हमने रैपिडली और बहुत तेज़ी से जो चेंज देखा वो शायद ये इस महीने की वजह से था, बिकॉज रिजल्ट सीज़न था, क्योंकि 6 मंथ के रिजल्ट आ रहे थे, प्रॉफिट आ रहा था, कैश डिविडेंड मिल रहा था शेयर होल्डर को, तो एक ये भी एक वजह थी, और कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज जो थी कुछ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे थे तो कैश डिविडेंड भी अच्छा रहा था, प्लस आपने ये देखा होगा कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो खबरें भी गर्दिश कर रही थी, एक फैक्टर ये भी कहा जा रहा था, और जिस हिसाब से सीपैक की इन्वेस्टमेंट थी मुल्क में और डे बाय डे कुछ नई डेवलपमेंट होती भी नज़र आ रही होती है, तो इस हिसाब से भी ये एक फैक्टर मार्केट पे अफेक्ट कर रहा था। 39,000 स्ट्रांगली हम खड़े हुए थे स्टॉक एक्सचेंज की उस फ्लोर पर जहाँ पर हमारी मार्केट ने चेयर अप किया था 39,000 का, और 1,000 पॉइंट्स इजाफे होने की यही सारी वजह बताई जा रही थी, लेकिन अब सेप्टेम्बर स्टार्ट हो गया है और एक खदशा यह भी जाहिर किया जा रहा था कि अगस्त में पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात कुछ शफल होंगे, कुछ डिस्टर्ब होंगे, ग्राउंड पे आकर मामलात ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अगस्त भी निकल गया और आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज पे कोई मनफी, कोई नेगेटिव, कोई बुरा असर नहीं आया, और मार्केट बिजनेस करते हुए आगे चलती गई, और अब देख ये मुसलसल एक हफ्ता जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या वजह है, तो यावर साहब ने यही बताया, इस पर मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे अगर साथ कोई कॉलर भी लाइन पर होंगे, मैं आपको कुछ सेक्टर्स का बता दूं कि आज सेक्टर्स का किन सेक्टर्स का क्या टर्नओवर रहा, कल मैंने जो टर्नओवर आपको जिन सेक्टर्स का बताया था वो अगर कंपेयर करूं पिछले हफ्ते के सेक्टर से इतना ज़्यादा नहीं था, अब आज की बात करते हैं तो आज देखते हैं कि आज कितना रहा। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करूं 18,989,000, ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज़ की बात करूं तो ज़्यादा नहीं है इनका 3,49,650, और इसमें भी एक दो कंपनीज ऐसी हैं जिनकी वजह से ये सेक्टर सस्टेन हो रहा है, वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कौन से पार्ट्स हैं ऑटोमोबाइल के। एनीवे, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड की मैं बात करूं तो 4,87,8400, सीमेंट का अच्छा है माशाल्लाह 35,8,60,650, केमिकल की मैं बात करूं 14,4,66,440, कमर्शियल्स बैंक की मैं बात करूं 13,43,800, कमर्शियल्स बैंक का आपने देखा होगा एकदम से जो है वो टर्नओवर बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत ज़्यादा नीचे बैठ जाता है, इसकी दो वजूहात हैं, पहली वजह तो ये है कि रिजल्ट्स की वजह से, दूसरा इनके स्टॉक पे इनका असर बराह रास्त हो रहा होता है शेयर्स का, तो और प्लस कुछ एक्टिविटी बिजनेस की ऐसी हो रही होती हैं खबरों में तो उसकी वजह से एक फैक्टर एक बनता है, इट्स लाइक अ नेचुरल इन्वायरमेंट अगर बिजनेस की बात की जाए तो। कमर्शियल बैंक का मैंने आपको बता दिया। इंजीनियरिंग के हिसाब से मैं आपको बताऊं सेक्टर 12,09,62,600, फर्टिलाइज़र का है 3,06,48,600, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का बता दूं 4,22,092 रुपीज़ का है ये, और इसके अलावा इंश्योरेंस का आपको बताऊं कि 1,04,61,900, इसके अलावा बात करेंगे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेटिंग कंपनीज़ की तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेटिंग कंपनीज़ 2,01,14,000, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करूं तो 14,06,34,400, फार्मास्यूटिकल के टर्नओवर वो नहीं आ रहा, जब आपको याद होगा अगस्त के ही मंथ में और जुलाई के एंड में हम डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिकल प्राइसेस क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई हैं, बजट आने के बाद भी बढ़ाई गई थी, और बजट आने के बाद आपने दो पॉइंट्स ऐसे देखे थे जहां पर फार्मास्यूटिकल के प्राइस कुछ कंपनीज़ ने बढ़ा दिए थे, फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था
कि हम उनकी खबर करेंगे। और फिर दूसरा कि सप्लाई एंड डिमांड का थोड़ा प्रॉब्लम आया था। आपको पता है कि 3 से 4 कंपनीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं पाकिस्तान में, दे आर मल्टीनेशनल कंपनीज, वो उनकी तरफ से थोड़े मामला थे कि उनके प्राइस बढ़ा दिए गए, रोके गए। वो अगर दूसरे हैंड की मैं बात करूँ तो वो फार्मास्यूटिकल के जो सप्लायर्स होते हैं वो कुछ उनका मामला था। बहरहाल उस पर क्या हुआ उस बहस में हम नहीं पड़ेंगे। टर्नओवर की मैं आपको बात बताऊँ, कंपेयर करूँ टर्नओवर अगर फार्मास्यूटिकल का तो अगस्त के मंथ में ज़्यादा बेहतर था। अगर मैं आज की बात करूं तो 6,48,800। फार्मास्यूटिकल हमारा अच्छा सेक्टर है जिससे हमें काफ़ी अच्छा भी टर्नओवर मिल रहा होता है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 16,07,32,700। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं और अच्छा है कि जिस तरह से हम मामला सारे सुन रहे हैं कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से और दीगर के मामला जो भी हो बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इकोनॉमिकली मामला अच्छे हों, बिकॉज डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि अब जिस हवाले से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का सिलसिला मुल्क में जारी है तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर मैं इंटरनेशनली चलें बात करता हूँ तो आपको कुछ खबर इंटरनेशनली दूँ कि अब भारत ये चाह रहा है कि वो सी पैक के हवाले से वो थोड़ी सी मदाखलत कर रहा है। बराह रास्त हमारे यहाँ तो उसने कोई मदाखलत नहीं करी, लेकिन जो सी पैक के हवाले से चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात की है और उनको भी ये कहा है कि आप हमारे कंट्री में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स डेवलप करें। तो आप ये देखें कि सीपैक से अभी प्रोजेक्ट बनना शुरू भी नहीं हुआ और इसकी कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट ग्लोबली क्या आया है, ये सारी बातें हैं। टर्नओवर तो मैंने आपको बता दिया, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक पर जब मैं आऊँगा तो मैं आपको US मार्केट की थोड़ी सी सिचुएशन बताऊँगा, यूरोपियन मार्केट का भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एशियन मार्केट में क्या हुआ, किसका किस कंट्री का इंडेक्स कहाँ पे क्लोज हुआ वो बताऊँगा, कॉमोडिटी रेट्स की मैं आपसे बात करूँगा। डोंट गो एनी वेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि एशिया मार्केट के हवाले से बात करेंगे, तो मैं आपको एशिया मार्केट का हाल बताऊं। तो एशिया डॉ की सबसे पहले बात करते हैं, तो एशिया डॉ की जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई वो आई 2,984.43। अगर परसेंटेज की बात करूं तो ये 1.84 पॉजिटिव में है मार्केट उनकी। निकी 225 इंडेक्स की मैं बात करूं, उनकी क्लोजिंग आई 17,037.63 और 0.66% पॉजिटिव। हैंगसेंग इंडेक्स की बात करते हैं, 23,649 और 1.65% पॉजिटिव। शिंगाई इंडेक्स की बात करते हैं, 3,072.10 और 0.1515 पॉजिटिव। सेंसेक्स इंडेक्स 28,532.11 और 0.38 पॉजिटिव। ये जो फिगर्स हैं मैं आप परसेंटेज में कैलकुलेट हुए हुए हैं तो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। सिंगापुर के इंडेक्स की मैं बात करूँ, 2,851.74 और 1.71 पॉजिटिव। इत्तेफाक से एशियन मार्केट के सारे इंडेक्स पॉजिटिव क्लोज हुए, ये अच्छी बात है। कॉमोडिटीज़ की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो आज क्यों मार्केट हमारी पीछे जा रही है, इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है मीर अली साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और कॉल के थ्रू प्रोग्राम को ज्वाइन किया, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू बेटा। मीर अली साहब, आपको याद होगा जब आप शो में आए तो उस वक्त फ्लोर 39,000 का ही था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 40,000 का जाएगा, बिल्कुल गया। दो दफ़ा हमने देखा कि हाईएस्ट लेवल 40,000 का आया, लेकिन क्या बात है जिस तरीके से पिछला हफ्ता गुजरा, हमने KSE 100 में और KSE 30 में ऑल शेयर इंडेक्स जो कैलकुलेट किए रिवर्स हो रहे हैं, पॉइंट्स पीछे जा रहे हैं, क्या क्या वजह समझते हैं आप? देखिए ना, ये तो एक छोटा सा करेक्शन है 40,000 के ऊपर। देखिए 33,000-34,000 से मार्केट 40,000 पर गए। अगर 40,000 से करेक्शन जो होता है एनीवेयर बिटवीन 4-20%, 20% इज एक्सट्रीम करेक्शन, 20% इज अ गुड करेक्शन, ओके है ना। तो इस वक्त तो हम 2% करेक्शन पे भी नहीं आए हैं भाई, तो इट्स नॉट एनीथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, ये बहुत ही मैच्योर तरीके से मार्केट अपने आप को हैंडल कर रही है। ठीक है, 1%, 0.5% ऊपर नीचे होती है रोज, कभी पॉजिटिव जाके फिर खुद इंट्राडे करेक्शन आ जाता है उसके अंदर। 100 पॉइंट ऊपर थी, 70 पॉइंट नीचे हुई, फिर 40 पॉइंट अपर पॉजिटिव क्लोज हो गई। यही हो रहा है पिछले 1.5-2 महीने से। तो ये एक डेवलप मार्केट की साइन होती है जो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, दूसरा इंडिकेशन ये है कि देखिए पहले सिर्फ सारे स्टॉक्स पॉजिटिव जाते थे या सारे नेगेटिव जाते थे, ये दुनिया की किसी मैच्योर मार्केट में नहीं होता। मैच्योर मार्केट में जो अच्छे स्टॉक्स हैं
दिन के दौरान वो पॉजिटिव चले जाते हैं और जिनमें इंटरेस्ट कम है वो नेगेटिव में चले जाते हैं, जो अब हो रहा है। ठीक है, आज आपने मंदी ज्यादा आपको इसलिए नजर आई कि जो इंडेक्स के थे, जैसे डीजी खान सीमेंट था, सीमेंट में आज थोड़ी सेलिंग आई, तो उसकी वजह से आपको लगा कि काफी ज्यादा मार्केट भी नीचे आ गई है, बट आई डोंट सी एनी साइन ऑफ कंसर्न एट ऑल। मीर साहब, इस तरह के जो मार्केट पीछे चले जाती है, शेयर होल्डर जो होता है वो परेशान हो जाता है, और इस तरह का तासुर जब देखता है कि 400 पॉइंट्स नीचे हो गए, 300 पॉइंट से ज्यादा हम पीछे चले गए, फौरन वो जो है वो सेलिंग शुरू कर देते हैं फ्लोर पर। फिर एक इम्पैक्ट ये भी आता है कि बहुत ज्यादा शेयर्स मार्केट में बेच दिए गए, जिसकी वजह से एक फैक्टर ये भी इंक्रीज आता है। एक बात मीर साहब, ये भी कहा जा रहा था कि अगस्त और सितंबर जो है रिजल्ट सीजन है, जिसकी वजह से मार्केट ने एक बूम लिया था, तो ये एक टेम्पररी चेंज था जिसमें हमने देखा कि 1000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट पीछे चली गई है। आपको क्या लगता है कि ये बात सही है कि रिजल्ट चेंज की वजह से हमने ये एकदम से बूम देखा मार्केट में? इस पर कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, रिजल्ट सीजन हमेशा साल में चार दफा दुनिया की कोई मार्केट हो वहां पे या भगदड़ मचाता है या ऊपर की तरफ लेके जाता है मार्केट को। ठीक है, ये हर जगह होता है। हमारे यहाँ एंग्रो का रिजल्ट जो था वो उतना अच्छा नहीं आया जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा। फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं जी? एंग्रो कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, जो होल्डिंग कंपनी है। ओके, ओके। जिसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बड़ा एंग्रो कहा जाता है। तो एंग्रो में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर मार्केट में आया है। तो 40,000 के ऊपर पॉइंट्स को ना देखा जाए। 400 पॉइंट जो है 40,000 पे 1% बनता है, और यही 400 पॉइंट जब 20,000 पे थे या 12,000 पे थे तो वो बहुत ज्यादा होता था। इंडस्ट्रीज को चाहिए कि वो परसेंटेज को अपने माइंड में ले आए, कि आधा परसेंट मार्केट नीचे है, 1% नीचे है, तो 400 पॉइंट भी 1% बनता है, विच इज नथिंग। ओके, मार्केट अगर 1% 1.5% 2% ऊपर नीचे नहीं होगी तो फिर ये वो मार्केट ही नहीं होगी। सही बात है, वो तो फिर एक तासुर ये होगा कि इतनी ज्यादा पॉजिटिव क्यों जा रही है, कोई स्पेकुलेशन तो नहीं है इस मार्केट के पीछे? देखिए, अगर मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रही है ना, तो उस मार्केट से डरिए, क्योंकि जो मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रही होती है तो उसी तरह नीचे ही नीचे भी आती है। ये दुनिया का रूल है। आप चाइनीज मार्केट देख लें, शंघाई एक्सचेंज 4 साल से 5 साल के अंदर 2,000 से लेकर 6,500 पे चला गया था, वो फट से आ गया, फिर दोबारा 2,500 पौने 3,000 के ऊपर। तो जो मार्केट ग्रेजुअली ऊपर जा रही है, हमारे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के, जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है 90% ऑफ कंपनीज आर प्रॉफिटेबल कंपनी। ठीक है, तो एंड अब जो है हमारे अवाम को, इंडस्ट्रीज को वॉलिटिलिटी की आदत हो गई। ट्रू, वो रोज सुबह आते थे और चाहते थे कि रोज कुछ ऐसी वॉलिटिलिटी हो के या इधर शॉर्ट साइड पे या लॉन्ग साइड पे पैसे बना के निकले। सही बात है, ये गलत तासुर है। देखिए, रोज के रोज वॉलिटिलिटी अगर इतनी ज्यादा होगी कि जी 50 के 50 स्टॉक ऊपर चले गए और 70 के 70 नीचे आ गए, तो इसमें स्किल्स इन्वॉल्व नहीं होंगी, नॉलेज इन्वॉल्व नहीं होगी मीर साहब। लेकिन जो शेयर होल्डर होता है ना, वो तो कोशिश ये करता है कि मैंने एक शेयर अगर 100 रुपए का लिया है, वो उसको वो 101 में ही बेचे, 99 में या 90 में ना बेचे, क्योंकि इतनी ज्यादा चेंजेस हम देखते हैं। कुछ सेक्टर की कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, वो 10-10, 15-15, 20-20 रुपए के हिसाब से एक दिन में चेंज पीछे हो जाती है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हर कोई चाहता है कि 100 रुपए का स्टॉक 110 पे बेचे। ट्रू, मगर ये सोचना अच्छी चीज है, मगर ये सोचना कि आज 100 का लू और कल सुबह 120 का बेच दू, ये गलत है। देखिए ना, आप इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर आप सिर्फ डे ट्रेडिंग करते हैं तो आप सिर्फ प्राइस को चेस कर रहे हैं कि जी आज 100 का लिया था, 105-102 पे बेच दो, 103 पे, अगर वो 98 पे आ गया तो पैनिक शुरू हो जाती है। मार्केट में गारंटीज तो होती ही नहीं है मीर साहब। आपने सही, आप लॉन्ग टर्म की बात करें ना, शेयर होल्डर ये कहता है कि मैं क्यों लॉन्ग टर्म के लिए करूं, अगर 99 अगर मुझे नहीं मिल रहे, ऐसा ना 99 भी ना मिले 4 महीने बाद, 50 मिल जाए, 40 मिल जाए, फ्लोर हमारा स्ट्रांग नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, फिर ये तो फियर बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो गया ना, खौफ के तहत।
खौफ के तहत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टॉक मार्केट में आइए ही मत। आप कंपनी को स्टडी करेंगे ना, अगर जो कंपनी 15 साल से ग्रो करे जा रही है तो चांसेस आर के 16वें 17वें और 18वें साल में भी ग्रो करेगी। चांसेस आर, नो गारंटी, मगर चांसेस आर। मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्ट करें, सिर्फ प्राइस को देख के इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल एंड अप लूजिंग 7 out of 10 times। वेरी राइट, वेरी अप्रोप्रिएट। फंडामेंटल्स के ऊपर कंपनी के इन्वेस्ट किया जाता है, सिर्फ प्राइस मूवमेंट पे नहीं किया जाता। ट्रू। और अगर मार्केट में पेशेंस नहीं डेवलप किया तो आप जीनियस भी हो चाहे, आप एंग्जाइटी के तहत बेच देंगे वो स्टॉक। सही। अगर आपने किसी के तुक्के के कहने पे लिया हुआ है किसी ने और आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, आप फुली कन्विंस नहीं है कि कंपनी। मेरे साहब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपसे दोबारा रابطہ करेंगे। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि लॉन्ग टर्म के हवाले से इन्वेस्टमेंट की जाए और जो है जो शेयर होल्डर होता है वो थोड़ा सा कल के बेसिस पे ना सोचे, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे। बिकॉज जो थोड़ी बहुत चेंजेस हम देखते हैं वो इसलिए देखते हैं कि जो ऐसा मीर अली साहब ने कहा कि जो चेंज आता है फ्लोर पर वो इस तरीके से आता है। अच्छा, उन्होंने अभी ये बात बोली कि न्यूज़पेपर्स में भी हम देखते हैं और हेडलाइंस में भी देखते हैं कि मार्केट जो है वो शदीद मंदी और बेयरिश हो गई है, तो उन्होंने उनके मुताबिक जैसा उन्होंने कहा कि करेक्शन था थोड़ा और परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने गालिबन 0.1 या 0.2 के हिसाब से बात करी, तो इतना बड़ा ज़्यादा कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बाजार आपका सस्टेनेबल है, स्ट्रांग है और इस पर मजीद सरमायाकारी की उम्मीदें हैं और इस पर सरमायाकारी हो सकती है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर होल्डर सोचे और जल्दबाजी, बौखलाहट और घबराहट से ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो करेक्शन के हिसाब से उन्होंने कहा कि करेक्शन देखी इन्होंने और ऐसा कुछ नहीं था जो हम जो मेरा सवाल मीर साहब से पहला था बेसिक कि हम क्यों 4-5 दिन जो हमने ऑब्जर्व किए मार्केट पीछे जा रही थी। अब आपको कुछ बता दूं कि कॉर्पोरेट रिजल्ट मैंने फ्राइडे को अनाउंस नहीं किया था, जिनको शायद नहीं पता हो बता दूं, आज अनाउंस कर दूं। कॉर्पोरेट रिजल्ट है लकी सीमेंट का, जो कि जिनकी अर्निंग हुई है ₹16.16 बिलियन। लकी सीमेंट पोस्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ ₹16.16 बिलियन इन द ईयर एंडेड June 30 कंपेयर टू ₹14.78 बिलियन इन द सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर्स। इन्होंने ये बात बोल दी। और कैपको का रिजल्ट आपको बता दूं, कैपको पोस्टेड ₹9.07 बिलियन इन प्रॉफिट, डाउन प्रॉफिट कह रहे लेकिन डाउन हुआ है 7%। इनका ये था हिसाब किताब सारा। कॉर्पोरेट रिजल्ट मैंने लकी सीमेंट का आपको बताया, कैपको का बताया, अमूमन मैं जो जो रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं और जो आते रहेंगे वो आपसे शेयर करता रहूँगा। आज देखा आपने मार्केट कितना फ्लोर हमारा जो है वो किस हिसाब से रहा, तो दोनों एनालिस्ट ने थ्रो कॉल हमें बताया कि डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ी बहुत करेक्शन है, थोड़ी चेंजेस हुई हैं, नेचुरल चेंजेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं जिससे आपको खौफ ज़्यादा होना पड़े। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।